नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैब सेशन नंबर 3 में। नंबर 1 और नंबर 2 जरूर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दोनों सेशन जरूर देखिए। और आज नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे नए 5 वर्ड्स की, तो तैयार रहें पेन और नोटबुक लेकर ताकि आपको नए वर्ड्स नोट करें आप। एग्जाम्पल सहित आपको दिया गया है, सिनोनिम दिया गया है, एक इमेज आपको दी गई है साथ में सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप उसको काफी लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकें। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर पहला सेशन आपका इस चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अधिक से अधिक शेयर करें और यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, फॉली। फॉली एक नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्खता। काफी बच्चों ने कहा था हिंदी में लिख दीजिए, तो मैं बता रहा हूं आपको, लिखते चलिएगा मूर्खता, तो ये फॉली है। फॉली का मतलब मूर्खता है। और ये सिनोनिम्स इसके हैं, एसिनिटी है, फुलरी है, फैचुटी है, इडियोसी है, ल्यूनेसी है, इनसैनिटी है, इनएनिटी है, इनबैसिलिटी है। इन सभी का मतलब मूर्खता है। बहुत सारे वर्ड यहां पे हैं और देखिए कुछ मिलता जुलता सा वर्ड है फूल से, इसलिए फूल का मतलब मूर्ख है, तो फॉली मूर्खता है। द फॉली ऑफ सच एन एक्शन शुड बी अपेरेंट टू एवरीवन। द फॉली ऑफ सच एन एक्शन शुड बी अपेरेंट टू एनी एवरीवन। किस प्रकार के एक्शन की जो मूर्खता है वो सभी के लिए अपेरेंट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हुए, ये देखिए छलांग लगा रहे हैं, इनका पैर यहां से फिसल सकता है, ये गिर सकते हैं, तो ये एक मूर्खतापूर्ण है। तो इस प्रकार से फॉली पहला वर्ड हमने डिस्कस किया है। बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी सर नेमोनिक ट्रिक भी बताइए, तो नेमोनिक ट्रिक बता रहा हूं मैं कि फॉली को आप फूल से रिलेट कर लीजिए, फूल का मतलब मूर्ख है तो फॉली का मतलब है मूर्खता। नंबर 2, कनार्ड। कनार्ड का मतलब है कनार्ड एक नाउन है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अ फॉल्स रिपोर्ट और स्टोरी को बोलते हैं, झूठी कहानी, झूठी रिपोर्ट को, टेल कहानी को बोलते हैं। द वाइड स्प्रेड कनार्ड दैट एवरी लॉयर इज डिसऑनेस्ट, कि एक बहुत ज्यादा फैली हुई बात, एक वाइड स्प्रेड फॉल्स रिपोर्ट है, फॉल्स स्टोरी है कि हर लॉयर जो है वो डिसऑनेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये देखिए इमेज, इन्होंने कहा है आई हैड एन अफेयर विद हिलरी क्लिंटन इन द 70s, ये एक झूठी रिपोर्ट, एक डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट, एक झूठी रिपोर्ट है, फॉल्स रिपोर्ट या स्टोरी है, तो इस प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं। कनार्ड को कैसे याद करेंगे आप, तो देखिए कनार्ड को कैनेडा से याद कर लीजिए, एक नेमोनिक ट्रिक बता रहा हूं, कैनेडा से आप याद कर लीजिए। कैनेडा में जाने की जो उसकी बात थी कि मैं कनाडा गया हुआ हूं, किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि मैं कनाडा बहुत बार गया हुआ हूं, ही हैज बीन टू कनाडा मेनी टाइम्स, तो ये एकदम झूठी गलत रिपोर्ट है, गलत स्टोरी है, आप जानते हैं इस बारे में। तो कनाड, कनाडा और कनाड को रिलेट करके आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा वर्ड आपके सामने है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य। कार्डिनल एक एडजेक्टिव का, न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रकार भी होता है। तो ये एक मुख्य, बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, आर्क, फॉरमोस्ट, सेंट्रल, चीफ, सभी का मतलब मुख्य है, केंद्रीय है, सबसे अधिक मुख्य है। तो माय कार्डिनल रूल इज टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, तो मेरा सबसे मुख्य जो रूल है, नियम है जिंदगी का, वो ये है कि ईमानदार बने रहना चाहिए। और ये देखिए ये व्यक्ति हैं, ये सेंटर में हैं, ये मुख्य हैं, सारी नजरें इन्हीं पर हैं, तो इस कारण से ये हो जाएगा कार्डिनल। तो देखिए कार्डिनल कार्ड से याद कर दीजिए, कार्ड एंड नल, नेमोनिक ट्रिक बता रहा हूं मैं, कार्ड और नल से आप याद कर सकते हैं, कार्ड और नल। तो नल का कनेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, ये सबसे मुख्य बात होगी नल के कनेक्शन के लिए, तो कार्डिनल याद हो जाएगा। नंबर 4 पे है एमनेशिया, तो देखिए याद हो ही जाएगा। एमनेशिया साइंस का वर्ड है, लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं, याददाश्त खो जाना, तो ही सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया, ये देखिए सफर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, इनको याद नहीं आ रहा है, तो लगता है कि इनको एमनेशिया हो गया है, लॉस ऑफ मेमोरी, तो इसको याद कर लीजिए अमन से, एमनेशिया अमन, अमन से याद कर लीजिए कि अमन को एमनेशिया हो गया है, अमन को अमन सब कुछ भूल चुके हैं, अमन जो है सफर कर रहे हैं एमनेशिया से, विस्मृति हो गई है, सब कुछ भूल चुके हैं। और लास्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है, देखिए एंटी का मतलब होता है विपरीत, ये नेमोनिक ट्रिक याद रखिएगा, और नेमोनिक ट्रिक नहीं, ये वास्तव में फैक्ट भी है, ये रूट वर्ड से याद कर सकते हैं आप इसको। एंटी का मतलब विपरीत है, पैथी का मतलब भावनाएं है, अगर आपकी भावनाएं विपरीत हैं,
अगर आपके इमोशंस विपरीत हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लड़ेंगे, आप दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के विचार अगर अलग अलग हैं तो दुश्मन बनेंगे आप। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक घृणा की भावना है, एनमिटी है। एनमिटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एनिमी की स्पेलिंग हम लिखते हैं ENEMIMY, लेकिन एनिमिटी में हम ई को ड्रॉप करते हैं, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनिमोसिटी बैड ब्लड एंड हॉस्टिलिटी, बैड ब्लड इडियोमेटिक फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है हॉस्टिलिटी के लिए। देयर हैज ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी बिटवीन द टू ग्रुप्स, इन दो ग्रुप्स के बीच में हमेशा से ही घृणा रही है। और ये देखिए लड़ते हुए, तो ये हॉस्टिलिटी इनके बीच में है, एनिमिटी इनके बीच में है, एनिमोसिटी है। तो लीजिए दोस्तों, नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है, जल्दी मुलाकात होगी नंबर 4 के साथ। देखते रहिए, जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू वेरी सून, टिल देन गुड बाय।